नमस्कार दोस्तों, कोर्ट में विभिन्न प्रकार की सुनवाई होती है। यदि आपराधिक मामलों की यदि हम बात करें तो आपराधिक मामलों की न्यायालय में जो सुनवाई होती है उन सुनवाइयों को कुछ नाम दिए गए हैं और इन सुनवाई को हम ट्रायल कह सकते हैं। और ये तीन प्रकार से सुनवाई होती है। एक होती है वारंट सुनवाई, जिसे हम वारंट ट्रायल कहते हैं, वारंट विचारण। एक होता है समन विचारण, जिसे हम समन ट्रायल भी कह सकते हैं। और तीसरे नंबर पर होती है समरी ट्रायल। ये समरी ट्रायल पुरानी सीआरपीसी यानी जो हमारे देश का जो प्रक्रियात्मक दांडिक कानून है, जिसका नाम है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अभी 1973 चल रहा है। इसके पहले 1898 का सीआरपीसी चलता था। तो पुराने सीआरपीसी में, 1898 के सीआरपीसी में ये वाली ट्रायल मौजूद नहीं थी, यानी समरी ट्रायल नहीं थी। ये समरी ट्रायल जोड़ी गई है 1973 की ट्रायल में। अभी समरी ट्रायल क्या होती है, नाम से स्पष्ट है, समरी को संक्षिप्त विचारण कहते हैं। तो आज का विषय है संक्षिप्त विचारण। आज हम लोग कवर करेंगे समरी ट्रायल क्या होती है, संक्षिप्त विचारण क्या होती है, ये किन अपराधों के लिए होती है, कौन इसको ट्रायल करेगा, इसमें क्या होता है, ये सारी बातों को आज हम लोग कवर करेंगे। तो नाम से स्पष्ट है समरी ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, जिसे हम ये भी कह सकते हैं विचारण चल रहा है। यदि न्यायालय में गवाहों को सुना जा रहा है, किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दंडित नहीं किया जाता है, ये एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। और हम सभी लोगों ने सुना है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसे दंड देने के पहले उसकी सुनवाई जरूरी है। सुनवाई मतलब उस व्यक्ति को भी सुना जाएगा और जिसने भी प्रोसिक्यूशन लगाया, जैसे पुलिस ने, तो पुलिस को भी अपनी बात को साबित करना पड़ेगा न्यायालय के सामने, और न्यायालय उस व्यक्ति को यानी अभियुक्त और आरोपी को भी सुनवाई का अवसर देगी। और ये जो सारी प्रक्रिया होती है न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने संपादित होगी, यानी दिस ऑल ट्रायल विल टेक प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट, जिसे हम दंडाधिकारी कहते हैं। और ये दंडाधिकारी जो है दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही निर्णय पे पहुंचेंगे और दंड देंगे। इसी को ही फेयर ट्रायल कहा जाता है। तो ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई और ये फेयर ट्रायल होनी चाहिए, मतलब न्यायोचित और उचित विचारण होना चाहिए। और उचित विचारण का मतलब होता है बोथ पार्टी शुड बी हर्ड, दोनों पक्षों को सुनना चाहिए और उसी के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। उसके बाद ही दोष युक्त दोष मुक्त करना है या सजा देनी है, ये उसके बाद ही तय होना चाहिए। तो ये होता है मित्रों विचारण का तात्पर्य। अब विचारण तीन प्रकार का बताया गया है हमारे कोर्ट में। आपराधिक विचारण तीन तरीके से चलता है। एक वारंट ट्रायल होता है, जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजाएं होती है, जो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं उसके लिए वारंट विचारण होता है। समन विचारण वो विचारण होता है जिसमें 2 साल से कम की सजाएं होती है, इसलिए उसको समन ट्रायल कहा जाता है। और समन मतलब कम, यानी कम गंभीर मामलों में 2 साल से कम। और समरी ट्रायल जो है ये अभी जोड़ी गई 1973 के सीआरपीसी में जोड़ी गई, इसे संक्षिप्त विचारण कहते हैं। और संक्षिप्त विचारण यानी पेटी केसेस, और भी छोटे छोटे केसेस होते हैं। और ऐसा संक्षिप्त विचारण में होता है कि 3 महीने से ज्यादा की तो सजा ही नहीं दी जाती है, यानी इसमें सजा देने का पावर मैक्सिमम 3 मंथ होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो ट्रायल चल रही है ये समरी ट्रायल। यदि मजिस्ट्रेट ने समरी ट्रायल लिया है तो समरी ट्रायल में अब 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं होगी। सीआरपीसी 1898, अभी जो वर्तमान में सीआरपीसी चल रहा है 1973 का, इसके पहले जो पुराना सीआरपीसी था, सीआरपीसी का मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसके माध्यम से हमारी दंड न्यायालय की पूरी प्रक्रिया चलती है। यह जो कानून था यह 1898 का था और उस समय समरी ट्रायल नहीं थी। उस समय 2 ही ट्रायल थी, वारंट ट्रायल एंड समन ट्रायल। लेकिन 1973 में इसे चैप्टर नंबर 21 में सीआरपीसी के 37 अध्यायों में अध्याय नंबर 21 में से जोड़ा गया, सेक्शन 260 से लेकर 265 तक। कुल मिला के 6 धाराएं हैं, उन 6 धाराओं में संक्षिप्त विचारण को लीगल रिकॉग्निशन दिया गया। इसकी प्रक्रिया बताई गई, निर्णय कैसे होगा, इसकी क्या प्रक्रिया होगी, किन मामलों का संक्षिप्त विचारण होगा, कौन संक्षिप्त विचारण ले सकेगा, ये सारी बातें इसमें बताई गई। अब 261 और 262 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 261 262 में बताया गया कि समरी विचारण क्या होगा। इसका उद्देश्य है स्पीडी ट्रायल, छोटे छोटे जो मामले होते हैं उनको स्पीडी ट्रायल मतलब शीघ्र तरीके से विचारित हो सके, इसलिए इसका नाम है समरी ट्रायल। समरी यानी संक्षिप्त, यानी सारी औपचारिकताओं की इसमें जरूरत नहीं होती, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती, कम फॉर्मेलिटीज में ही सारा काम हो जाता है। तो इसको स्पीडी जस्टिस देने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने कोटेशन सुना है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी स्वयं अन्याय है। और इसी उद्देश्य को लेकर और पेंडेंसी को हटाने के लिए, जो लंबित मामले हैं उनको हटाने के लिए समरी ट्रायल को इंट्रोड्यूस किया गया। समरी ट्रायल का मुख्य उद्देश्य है स्पीडी ट्रायल, और ये ट्रायल बहुत सिंपल होती है, इसमें औपचारिकताएं नहीं होती है, बहुत ही साधारण होती है। रिकॉर्डिंग समरली, इसमें जो मजिस्ट्रेट जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं बहुत ही समरली तरीके से की जाती है, इसमें औपचारिक रूप से बहुत सारी औपचारिकताओं का पालन करने की जरूरत नहीं होती है। साधारणतः जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यदि मेट्रो शहर होगा तो, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी के माध्यम से ये ट्रायल सुनी जाती है। और यदि हम देखें तो दो साल से कम के जो अपराध होते हैं, 2 साल से कम के अपराधों में समरी ट्रायल हो सकती है, और इसके लिए सशक्त कर दिया जाएगा कि इस मामले की समरी ट्रायल होगी। यदि हम चोरी की बात करें तो चोरी में यदि संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से कम है, 2000 रुपये से कम का जो मूल्य है उसकी समरी ट्रायल हो सकती है। 411 में चोरी का माल छुपाना, चोरी का माल खरीदना बेचना, 411 के मामले जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू 2000 रुपये से कम है, ऐसे मामलों की भी समरी ट्रायल हो सकती है। 414 चोरी का माल छुपाना, 2000 रुपये से कम की वैल्यू का माल छुपाता है 414, ये सब आईपीसी की धाराएं हैं। इन आईपीसी की धाराओं में यदि संपत्ति का मूल्य 2000 से कम है तो समरी ट्रायल हो पाएगी। 454 कोई व्यक्ति गृह भेदन करता है, लर्किंग गृह भेदन जो है 454 में, तो इसकी भी समरी ट्रायल हो सकेगी। 506, 504 कोई व्यक्ति इंटिमिडेशन कर रहा है, किसी व्यक्ति को धमका रहा है, उसकी भी समरी ट्रायल हो सकेगी। इन सभी अपराधों का अटेम्प्ट करना, प्रयास करना, इन सभी अपराधों को भड़काना, अबेट करना, दुष्प्रेरण करना, इन सभी अपराधों के लिए समरी ट्रायल रखी गई है। तो ये है मित्रों समरी ट्रायल क्या होती है, समरी ट्रायल कौन करता है, समरी ट्रायल के क्या उद्देश्य हैं, किन अपराधों में समरी ट्रायल होती है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।